नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में दो दमदार आईटी स्टॉक्स के बारे में, जो कि बिरला सॉफ्ट एंड केपीआईटी टेक। आप नाम स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों में अच्छी खासी तेजी आज के दिन बनी और बिरला सॉफ्ट में काफी ज्यादा 7% के गेन देखने को मिले और दोनों ने ही 500 के अहम लेवल के ऊपर फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। मार्केट में भारी गिरावट के बाद फाइनली दो दिनों से यहाँ तेजी का माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर अभी है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सोलर सिस्टम, सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनीज। यहाँ देख सकते हैं, एवरी टॉम डिक हैरी ऑन दलाल स्ट्रीट वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद ईवी एंड ग्रीन एनर्जी, जो कि हॉटेस्ट सेक्टर यहाँ आप देख सकते हैं, परहैप्स द हॉटेस्ट सेक्टर राइट नाउ। एनी मेंशन ऑफ द कंपनी वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्टर्स गेट इमीडिएट इन्वेस्टर अटेंशन। आगे देख सकते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज विच हैज द पोटेंशियल टू बी द मेजर प्लेयर एज इट already serves automotive firms outlined its progress and future plans in media interaction. The management said it signed major deals in hydro cell field. They added that the profit in margin might grow 18-20% in financial year 22. तो कंपनी जो है ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार है। ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए ऑलरेडी अपनी आईटी सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल आपको दिखाऊं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको स्टॉक थोड़ा महंगा दिख सकता है, जो कि 13,500 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास के बुक वैल्यू स्टॉक की 44 की है। उसकी तुलना में पीबी का रेशियो देखेंगे 11.5 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज का सेक्टर का पी देखेंगे जो 42 का है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक का पी जो है 64 रुपए से भी ऊपर, 64 अंकों से भी ऊपर पहुंच चुका है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है। अब देखिए, बात करें अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपको पिछले 5 क्वार्टर्स में हाईएस्ट जो है देखने को मिल रहा है। लगातार गजब ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं हम। सितंबर 20 से लेकर सितंबर 21 में थोड़ा थोड़ा ही ग्रो है, लेकिन कंटिन्यूस ग्रो यहाँ पे जो है रेवेन्यू में आप देख रहे हैं। और रेवेन्यू की तरह ही नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे, 27 करोड़ का क्या था सितंबर 20 में, जो कि सितंबर 21 में आपको करीब डबल देखने को मिल रहा है 65 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर से 60 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़, यानी यहाँ भी लगातार ट्रेंड आपको काफ़ी शानदार ही देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ते जा रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में। देखिए, डेली चार्ट की अगर बात करूं तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल के रिटर्न पिछले सालों में स्टॉक ने दिए हैं। और अब बात करें हाल फिलहाल की, जो कि स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑल टाइम का हाई भी इसका यही है जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। स्टॉक 2 बार वहां जाते हुए देखने को मिला, जो कि करीब करीब 532 से 533 की रेंज का है, और स्टॉक चूंकि 500 के ऊपर फाइनली आज के दिन क्लोजिंग दे चुका है, तो ये 500 के ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर 500 के ऊपर कंटिन्यूसली 2-3 दिन टिकता है तो स्टॉक और तेजी बनाएगा और 530 तक के टारगेट या फिर इसको ब्रेक करके स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिलेगा। किसी ने बाय कर रखा है तो मुझे कमेंट करके बताएगा, आराम से होल्ड कर सकते हैं। और ये प्राइस भी बाय करने के लिए बुरा नहीं है, बस शर्त है कि लंबा होल्ड करना पड़ेगा। देखिए, सेकेंडली बात करते हैं बिरला सॉफ्ट, तो मार्केट के फर्स्ट हाफ में भी यहाँ पे स्पाइक बने थे वॉल्यूम के साथ, और सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त आज के दिन बाइंग हुई है, जो कि स्टॉक मार्केट क्लोज होते होते लगातार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला और 7.75% की तेज़ी के साथ फाइनली बंदी मिली, जो कि 500 के लेवल के ऊपर क्लोज हो सका। देखिए, केपीआईटी टेक की तुलना में इस स्टॉक के आपको फाइनेंशियल ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेंगे। 13,942 करोड़ की मार्केट है, वहाँ 13,700 करोड़ की थी, उससे थोड़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी उस जो है स्टॉक से यहाँ ज़्यादा है, 78 की आप देख रहे हैं, और पीबी का रेशियो जो है यहाँ काफ़ी कम है, जो कि 6.40 का ही मात्र है। इस स्टॉक का पी देखेंगे तो 33.5 से 34 के आसपास का है, और सेक्टर का पी 41.81 देख रहे हैं, तो सेक्टर के पी से अभी भी स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, जो कि एक बार पहले स्प्लिट हो चुका है। देखिए, क्वार्टरली रेवेन्यू की ग्रोथ तो आपको यहाँ भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, 857 करोड़ के सामने 1,011 करोड़ का कंपनी ने जो है रेवेन्यू टोटल पोस्ट किया, जो कि ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें कंपनी के मुनाफे की, तो पिछले 5 क्वार्टर्स का मुनाफे का ट्रेंड आप देख सकते हैं, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा नुकसान हुआ है कंपनी को, मात्र 10 करोड़ का, जो कि 113 करोड़ के सामने आप देख सकते हैं। जून 21 से सितंबर 21 में 103 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। आने वाले Q3 एंड Q4 में यहाँ पे आराम से और अच्छे खासे नंबर की आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ही दमदार कंपनीज हैं और दमदार नतीजे भी पोस्ट करती हैं। देखिए, बिरला सॉफ्ट का डेली चार्ट आपके सामने है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी खासी तेजी स्टॉक बनाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज, यही इसका चलने का पैटर्न अब तक रहा है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और अब स्टॉक अपने 52 वीक की हाईज और ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि ऑल टाइम हाई स्टॉक का 522 रुपये के आसपास का है। 500 के ऊपर यहाँ भी फाइनली स्टॉक को बंदी मिल चुकी है। अगला टारगेट करीब करीब 515 और 520 के दो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहा तो ये इसको ब्रेक करके 550 की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार कंपनी है, ये प्राइस भी बाय करने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम
छः महीने से 8 महीने और मैक्सिमम चाहे तो कई साल इसको होल्ड रखें, पोर्टफोलियो कैटेगरी का ये स्टॉक है। तो चलिए बात के लिए इस वीडियो में दो IT स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।